सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और ईश्वर से भी यही आशा करता हूं कि सदा अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि अरस्तु महोदय ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ मस्तिष्क हो वह स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो चलो, हमने जो जीर्ण माता थी लोकदेवी में देख ली, आज हम बात करेंगे करणी माता पर। आज अपनी कौन सी माता रहेगी? करणी माता। लिख देता हूँ, आज अपनी माता कौन सी माता रहेगी? करणी माता। करणी है ना, करणी माता। देखो, कल जीर्ण माता का मंदिर मैंने रेवासा में बताया था। इसके अलावा एक मारोठा नावा डीडवाणा कुचामन में भी है। और 2003 में जय जीर्ण नामक एक फिल्म बनी थी, मात बुहानी पत्थर को भी कर दे पानी, जय जीर्ण बुहानी, जीर्ण बुहानी, जय जीर्ण बुहानी नामक एक फिल्म बनी थी 2003 में। आज करेंगे करणी माता पर चर्चा। तो सबसे पहले तो अपन वही काम करेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो मैं लिख दूँ यहाँ, जन्म। अब जन्म होता कब है, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? 20 सितंबर 1387। जन्म कब होता है? 20 सितंबर 1387, यानी 20 की तारीख थी, नौवा महीना था 1387। अब देखो कहाँ होता है, तब अपना उत्तर क्या आएगा? तब अपना उत्तर आएगा सुआब गांव। सुआब गांव अपने कहाँ है? तब अपना उत्तर आएगा फलोदी में। तो यहां से आप बता दीजिए, एक ऐसे लोक देवता थे जिनका जन्म भी अपने फलोदी में हुआ था। कौन से थे? बाबूजी थे ना। चलो, अब जन्म होने के बाद किस तिथि को होता है? तिथि आश्विन, आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म होता है। इनका करणी माता का तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को कल्ला जी का मेला लगता है। चलो, अब इसके बाद में देखो इनके पिता कौन थे, करणी माता के पिता, तब अपना उत्तर क्या आएगा? मेहाजी, मेहाजी, समझ रहे हैं? मेहाजी अगर इनके पिता हैं तो माता कौन होगी? माता का नाम अपने पास क्या निकल के आएगा? देवल। क्या निकल के आएगा? देवल। यहां से आप बता दीजिए, मैंने कहा कि एक जो लोक देवता थे उनका संबंध भी देवल से था ना, वो कौन से लोक देवता थे? बाबूजी, वो भी बाबूजी थे। देवल चारणी की गायें थी ना, समझ रहे हैं? देवल की अपने, अब माता के बाद में इनके पति, पति कौन? देपाजी बिट्टू, समझ रहे हैं? अब बिट्टू है, देपाजी बिट्टू है। बिट्टू जी ने एक ग्रंथ लिखा था बाबूजी पर, बाबू जीरा छंद। इसके बाद में इनका पुत्र देख लीजिए आप, करणी माता का पुत्र, पुत्र की बात की जाए तब अपना उत्तर क्या आएगा निकल के? लाखा या लखन, लाखा या लखन, या फिर कई जगह इनको लक्ष्मण भी कहते हैं, समझ रहे हैं? चलो आगे चलते, इनकी बहन, बहन की अगर नाम, बहन की अगर बात की जाए कि इनकी बहन का नाम क्या था? गुलाब कंवर, गुलाब कंवर, गुलाब कंवर इनकी बहन थी। अब मैं कह दूं कि ये अवतार किसकी थी, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा?
अपना उत्तर निकल के आएगा तेमर राय की, कि करणी माता को किस देवी का अपने अवतार माना जाता है, तब अपना उत्तर आएगा तेमर राय। या फिर कई किताबों में आवड़ या जगत माता भी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं? अब मैं कह दूं इनका गोत्र कौन सा है मित्रों, गोत्र, गोत्र इनका कौन सा है, किनिया गोत्र। और लोक देवता जो थे उनमें तेजाजी जो थे उनका गोत्र कौन सा था, धोलिया गोत्र। गोत्र करणी माता का अपना कौन सा गोत्र आएगा, किनिया गोत्र। और तेजाजी का अपना कौन सा गोत्र, किनिया गोत्र। अब मैं कहूं इनके उपनाम, उपनाम की अगर बात की जाए तो चूहों वाली देवी है ना, चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी कहते हैं, करणी माता को कहते हैं। इनके अलावा और कौन सी देवी कहते हैं, मैं कहूं दाढ़ी वाली देवी, दाढ़ी, दाढ़ी वाली देवी। दाढ़ी वाली देवी कहते हैं। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम देखो, बचपन का नाम था रिधिबाई, रिधिबाई, प्यार से रिधिबाई सब बोलते। चलो अब मैं इसके बाद में बात करूं कि बचपन का नाम हो गया पुजारी, पुजारी जो हैं वो किस जाति के लोग होते हैं, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा, चारण जाति के, चारण जाति के, देवपावत गोत्र के लोग, देवपावत गोत्र के लोग, चारण जाति के, देवपावत के गोत्र के लोग जो हैं वो अपने पुजारी होते हैं, किसके, किसके पुजारी, करणी माता के। अब देखो इसके बाद में मैं अगर बात करूं मंदिर जो है, मंदिर को क्या कहा जाता है मित्रों, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा, मंदिर को कहा जाता है मठ, मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ। अब मैं कहूं कि मंदिर की आकृति जो है कैसी आकृति है, मंदिर की आकृति, मंदिर की आकृति कैसी आकृति है, करणी माता का मंदिर जो है इस मंदिर को हम कहते हैं मठ, करणी माता का मंदिर जो है इस मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। लेकिन इसकी आकृति उल्टे कटोरे नुमा, समझ रहे हैं? अब देखो यहां ये जो लोग होते हैं ना, जैसे मैं कहूं रामदेव जी के पुजारी क्या कहलाते थे, रिखिया, और अपने गोगा जी के पुजारी जो मुस्लिम पुजारी थे चायल कहलाते थे, इसी प्रकार ये क्या कहलाते हैं, बारी दारजी, बारी दारजी, समझ रहे हैं? अब इनके मंदिर को अगर मठ कहा जाता है तो मैं कह दूं आई माता का मंदिर जो था इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। चलो अब मंदिर की आकृति हो गई, अब आगे चलते हैं। देखो बहन कौन, गुलाब कंवर, ये गुलाब कंवर जो थी, गुलाब कंवर जो थी, ये देवपाजी जो बिट्टू थे करणी माता के पति, इनके साथ करणी माता का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन करणी माता संतुष्ट नहीं होती है, तो देवपाजी बिट्टू की ओर से, देवपाजी ओर से, देवपाजी के परिवार वालों की ओर से इनके मेहाजी जो थे पिता, इन पर दबाव डाला जाता है कि हमारा विवाह फिर से कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे।
तब ये अपनी बहन थी गुलाब कंवर, समझ रहे हैं। मेहाजी करणी माता को कहते हैं कि आप जाओ अपने ससुराल जाओ, लेकिन फिर कहती है कि मैं गुलाब कंवर के साथ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और गुलाब कंवर जो थी उसका विवाह किसके साथ, देवपा जी के साथ कर दिया जाता है। अब ये पुत्र जो था मैंने लिखाया लाखा जी, ठीक, लाखा लखन जो पुत्र था वो करणी माता का नहीं था, वो पुत्र था किसका पुत्र था, अपने गुलाब कंवर, गुलाब कंवर जो थी इसकी छोटी बहन, इसका पुत्र था। लेकिन इन्होंने किसने, करणी माता ने गोद ले लिया, है ना। चलो आगे चलते, अवतार तेमल राय आवर जगत माता, गोत्र किनिया गोत्र हो गया। उपनाम देखो, चूहो वाली देवी, दाढ़ी वाली देवी, बचपन रिधि बाईसा, बचपन का नाम है ये, है ना। पुजारी चारण जाति के लोग, देवपावत गोत्र से होते हैं, बारीदार जी इनको कहते हैं, बारीदार जी, कहते हैं। चलो अब देखो मंदिर क्या कहलाता है, मठ। मंदिर की आकृति उल्टे कटोरे नुमा है, मंदिर जो है मंदिर में दो कड़ाही है, समझ गए, सावन भादो कड़ाही कहलाती है। मंदिर की दो कड़ाही कड़ाही सावन भादो कड़ाही कहलाती है। सावन भादो कड़ाई कहलाती है। किनके मंदिर में है, करणी माता के मंदिर में, समझ रहे हैं ना। सावन भादो कड़ाई कहलाती है, सावन भादो कड़ाई कहलाती है। अब मैं कह दूं कि सावन भादो कड़ाई जो है वो अपने मंदिर की कड़ाई है देशनोक में, है ना। अब देशनोक में, अब चलो यहां नोट लगा के लिख देता हूं, सावन भादो झील कहाँ है, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा। हीरोइन सावन भादो महल कहाँ है, सावन भादो महल कहाँ है, तब अपना उत्तर क्या आएगा। डिग, सावन भादो नहर कहाँ है, सावन भादो नहर कहाँ है, तब अपना उत्तर क्या आएगा। कोटा, और सावन भादो कड़ाही कहाँ है, सावन भादो कड़ाही करणी माता मंदिर देशनोक, कड़ाही करणी माता करणी माता मंदिर देशनो, समझ रहे हैं। अब देखो अगर प्रश्न में आ जाए कि करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल कहाँ है, प्रारंभिक पूजा स्थल की बात कर रहा हूं मैं, प्रारंभिक पूजा स्थल वो अपने कहाँ आएगा, नेहड़ में। अब क्यों आएगा, क्योंकि बताया जाता है कि करणी माता जो थी, समझ रहे हैं, उन्होंने प्रारंभ में अपने नेहड़ में जाकर दही मंथन का कार्य किया था, दही बिलोने का कार्य, समझ रहे हैं, और वहीं पर पूजा स्थल लिख लीजिए। प्रारंभिक
पूजा स्थल, तब अपना उत्तर क्या आएगा? प्रारंभिक पूजा स्थल, तब अपना उत्तर क्या आएगा? नेहट। समझ रहे हैं? अब मैं कहूं इनकी गायों का, देखो दही मंथन का कार्य करती थी, तो ये निश्चित सी बात है कि ये गाय रखती थी। समझ रहे हैं? अब इनकी गाय ये स्वयं नहीं चराती थी, तो कौन चराता? दशरथ ग्वाला। करणी माता, कौन सी माता? करणी माता की गायों को ग्वाला, करणी माता की गायों को दशरथ ग्वाला चराता था। दशरथ ग्वाला चराता। अब देखो, बता दिया। मैं कहूं कि ऐसी मान्यता है लोगों की कि बताया जाता है कि इनके मंदिर में जो चूहे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब लेकिन ये चूहे जो हैं वो चारण जाति के लोग हैं। ये बताया जाता है कि एक बार जो इनका पुत्र था लाखा जी, है ना, लखन जी, ये कोलाय झील में जाता है स्नान करने के लिए, जाता है और डूब जाता है। समझ रहे हैं? बार 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 डुबकी लगाने से ये मर जाता है, बताया जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद, ये मरने के बाद यमराज आता है और कहता है कि मुझे ले जाने दीजिए। लेकिन करणी माता का पुत्र था, और करणी माता कहती है कि मैं इसको नहीं ले जाने दूंगी, चल चल पगले, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये आप जो इनको जीवित कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रही हैं। तो उन्होंने कहा चल, मैं नहीं मानती तेरी बात को, आया कौन मेरे को कहने वाला। फिर कहती है कि ठीक है चल तू। तो वो कहता है कि मान जाओ माता, इनको यमलोक में जगह नहीं मिलेगी। आपके जो वंशज है ना, यानी उसका पुत्र था लाखा जी, तो इनको यमलोक में जगह नहीं मिलेगी मरने के बाद। तो वो कहती है कि तेरे यमलोक में ही तो नहीं मिलेगी, मेरे मंदिर में खूब जगह है, मर्जी तरह से डोल ली। समझ रहे? उसके बाद में बताया जाता है कि चारण जाति के लोग जो है ना स्नान करते, और चारण जाति के लोग रक्षाबंधन त्यौहार नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि श्रावण पूर्णिमा जो थी उस दिन ही अपने करणी माता का पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बताया जाता है कि देखो, अपने भी यहाँ देखते हैं कि जिस दिन अपने पूर्वज खत्म हो जाते हैं उस दिन, एक भाषा में बोला कि आड़ आएगी, है ना, आण है, मतलब ये त्यौहार को नहीं मनाओ। तो जिस दिन मनाने लग जाते हैं उसी दिन अगर परिवार में कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है, या गोवंश के रूप में कोई हमारे घर जन्म ले लेता है, तो हम मनाने लग जाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। करणी माता के मंदिर में चूहों को काबा कहते हैं। अब इसके बाद एक और देख लीजिए, चील जो होती है चील को भी करणी माता का एक रूप माना जाता है। करणी माता का रूप एक रूप माना, करणी माता का रूप माना जाता है। अब मैं यहां लिख सकता हूं कि चारण जाति के लोग, समझ रहे हैं, इनको अपना पूर्वज मानते हैं। ये इष्ट देवी किसकी थी पहले वो देख लेते हैं। चलो, इष्ट देवी मैं बता दूं,
इष्ट देवी में देखो, ये इष्ट देवी करणी माता जो इष्ट देवी है वो तो है राठौड़ों की, और करणी माता की इष्ट देवी है सेमल राय, समझ रहे हैं? तो यहां लिख दूं, राठौड़ों की इष्ट देवी, राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता, और करणी माता की इष्ट देवी, करणी माता, करणी माता की इष्ट देवी, करणी माता की इष्ट देवी सेमल राय, समझ रहे हैं? अब देखो आगे, कुल देवी किसकी है फिर बताओ? कुल देवी मैंने कहा जब इनके वंशज हैं चारण जाति के लोग, तो चारणों की कुल देवी होगी। चारणों सर्वप्रथम मैंने बताया ना, सर्वप्रथम करणी माता ने, करणी माता ने नेहड़ नामक स्थान पर जाल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष सर ये याद रखना है क्या? याद रखना जरूरी, मैं बताऊंगा क्यों। जाल के वृक्ष के नीचे दही मंथन का कार्य किया, किसने किया रे? करणी माता ने किया दही मंथन का कार्य किया। अब मैं कहूं ये जाल का वृक्ष क्यों है, अगर प्रश्न में आ जाए, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जाल के वृक्ष का संबंध किस लोक देवी से है, समझ रहे हैं? अब जो राठौड़ों की नागनेची माता जो है कुल देवी, उनका नीम है ना, नीम वो वृक्ष माना जाता है, लेकिन जाल का वृक्ष जो है उसका संबंध किससे है? करने चारण जाति के लोग मंदिर के चूहों को अपना पूर्वज मानते। मैंने कहा ना मर जाने के बाद, लाखा के मर जाने के बाद अब आगे देखो मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चारण जाति के लोग लाखा की श्रवण, लाखा की श्रवण पूर्णिमा ये दिन कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो, उसी दिन से चारण जाति के लोग
रक्षाबंधन नहीं मनाते, रक्षाबंधन नहीं मनाते, समझ रहे हैं? मैंने बताया श्रावण पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई और उस दिन के बाद में चारण जाति के लोगों ने देखा कि अपने पूर्वज जो हैं वो खत्म हो गए हैं, अब रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, समझ रहे हैं? अब इसके बाद देखो कि इनका मंदिर जो है, मंदिर को कहते हैं ना मठ, चलो आय माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। मंदिर का प्रारंभ बीकानेर तथा पूर्ण रूप सूरत सिंह ने और आधुनिक निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। इनके अलावा देखो क्या आता है, मंदिर का प्रारंभ बीकानेर, पूर्ण रूप सूरत सिंह ने और आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। लेकिन बीच में अगर टूट फूट हो जाती है तो उसमें आता है नाम एक करण सिंह, समझ रहे हैं? करण सिंह और जयत सिंह लिख लीजिए। करण सिंह है, जयत सिंह ने, करण सिंह है, जयत सिंह ने भी मरम्मत करवाई, समझ रहे हैं? और देखो 1419 की बात है, देशनोक की स्थापना करणी माता ने ही की थी। 1419 ईस्वी में देशनोक जो है, जहां मंदिर जो है, किसका? करणी माता का, देशनोक की स्थापना कौन सी माता ने की? करणी माता ने की। आगे चलते हैं, और क्या है? देशनोक की स्थापना करणी माता ने की। पुंगल बीकानेर राव शेखा को युद्ध में विजय करवाया, समझ रहे हैं? युद्ध में विजय दिलाई, चलो यहां लिख देता हूं ना, युद्ध में विजय दिलाई। अब इसके बाद और देखो, बीकाजी जो थे, राव जोधा के पुत्र बीकाजी राव जोधा के
पुत्र बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से, किस माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की, समझ रहे हैं। इसके बाद और क्या किया, काना था कान्हा, है ना, गायों का संबंध कान्हा से है ना, लेकिन गोधन का वध करने वाले कान्हा का वध करनी माता ने कर दिया। कान्हा ने किसका वध किया, गोधन का, गोधन किसका, करनी माता, कान्हा का वध किया, समझ रहे हैं। देखो कान्हा का वध क्यों किया, गोधन के कारण, गोधन का वध कर रहा था, अब किसके गोधन का, करणी माता, ठीक है, गोधन का वध करने वाले कान्हा का वध ही किया। अब इसके बाद देखो और क्या बात, महरानगढ़ की नींव किसने रखी, करणी माता जी ने, महरानगढ़ की नींव करणी माता ने रखी, करणी माता ने रखी, समझ रहे, करणी माता ने, महरानगढ़ जो है अपने जोधपुर में चिड़िया टुक की पहाड़ी पर, समझ रहे, करणी माता ने उस की नींव रखी। अब आगे और देखते हैं, इनका मेला, मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, घिनेरू, पहले तो ये देख लेते हैं, घिनेरू नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, घिनेरू नामक स्थान पर, और 1538 ईस्वी को निधन हो जाता है। अब देखते हैं मेला चलो आगे लिख देता हूँ ना ऊपर, इनका मेला कब लगता है, चैत्र अश्विन के नवरात्रों में लगता है। लेकिन पहले मैं यहाँ एक प्रश्न लिखता हूँ कि करणी माता का मेला लगता है। अब आपको पता है कि चैत्र अश्विन के नवरात्रों में लगता है, तिथि आपको पता नहीं है, तब क्या करेंगे, एकम शुक्ल एकम याद रख लीजिए, नवरात्रों से एक बिल्कुल शुक्ल एकम, चैत्र की भी शुक्ल एकम, अश्विन की भी शुक्ल एकम, माघ की भी शुक्ल एकम, समझ रहे हैं। अब ऑप्शन में आ जाए, शरद नवरात्र, ऑप्शन ब में आ जाए गुप्त नवरात्र, ऑप्शन स में आ जाए ऐ व ब दोनों, समझ रहे हैं, और ऑप्शन द में आ जाए
इनमें से कोई नहीं। चलो ऑप्शन दाएं में आ जाए कि इनमें से कोई नहीं है ना। इनमें से कोई नहीं, तब अपना उत्तर क्या आएगा बताओ है? तब अपना उत्तर क्या आएगा? आपको चैत्र अश्विन नहीं दिया है, आपको पता है कि चैत्र और अश्विन अपने महीने जो हैं, समझ रहे हैं, उन महीनों में लगता है। तिथि भी मैंने बता दी, चैत्र शुक्ल एकम को और अश्विन शुक्ल एकम को, माघ शुक्ल एकम को भी लगता है, कई माताओं का माघ शुक्ल एकम। अब नवरात्र देखो, करणी माता का मेला लगता है, क्या शरद नवरात्र में लगता है? बिल्कुल लगता है। अश्विन जो है अश्विन में आते हैं, समझ रहे हैं? अश्विन के जो नवरात्रे हैं वो शरद नवरात्रे कहलाते हैं। इसके माघ का जो महीना है इसके नवरात्रे गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं, लेकिन करणी माता का मेला लगता है सिर्फ अश्विन प्लस चैत्र को, समझ रहे? तब अपना उत्तर क्या आएगा? शरद गुप्त नहीं आएगा, न दोनों आए, अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? शरद, क्योंकि सही है अश्विन तो नाम आया, भले मर्जी चैत्र आए या ना आए, समझ रहे? अब आगे चलते हैं। अब देखो चैत्र शुक्ल एकम और अश्विन शुक्ल एकम को क्या होता है? मेला लगता है। एकम को क्या होता है? किसका मेला? करणी माता का मेला। किस माता का मेला? करणी माता का मेला लगता है। कब कब? चैत्र शुक्ल एकम, देखो चैत्र प्लस अश्विन के नवरात्रों को, लेकिन आपको एकम याद नहीं है, फिर करणी माता का मेला लगता है। का मेला लगता है। एक मुख्य बात कौन सी है? भारत नहीं, राज्य की तो एक अलग बात है, राज्य में तो लगता ही है, भारत नहीं, अपितु विश्व में भी, विश्व में एकमात्र चूहों वाले, एकमात्र चूहों के मंदिर में, एकमात्र चूहों के मंदिर में अश्विन प्लस या चैत्र प्लस कर दूं मैं, चैत्र प्लस अश्विन वर्ष में दो बार मेला लगता है, दो बार अश्विन में मेला लगता है। समझ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अरे भारत में ही नहीं
अपितु विश्व में एकमात्र चूहों का मंदिर है, है ना। चूहे के मंदिर वैसे कई हैं, लेकिन चूहों के मंदिर है। उस मंदिर में चैत्र प्लस अश्विन यानी वर्ष में दो बार मेले लगते हैं। जो अन्य मंदिर है चूहों के, समझ रहे हैं, गणेश जी का मंदिर भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सवारी ही मूषक है यानी चूहा। देखो चैत्र प्लस अश्विन वर्ष में दो बार लगते हैं, तो ये बड़ा शानदार प्रश्न। अब ये रही आज की अपनी क्लास, खत्म करते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, करणी माता का जन्म पूछ लिया जाए तब अपना उत्तर क्या आएगा, 20 सितंबर 1387 को हुआ। कहाँ हुआ, सुआप गांव में हुआ। सुआप गांव अपने कहाँ है, तब अपना उत्तर क्या आएगा, फलोदी। कि इनके पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवहल, पति का नाम देपाजी, पुत्र का नाम लाखन। अवतार किसका, तेमड़ राय का। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ राय, और करणी माता किसकी इष्ट देवी, राठौड़ों की। तो कुल देवी किसकी, चारणों की। अब मंदिर जो होता है, मंदिर में आरती, एक और लिखा देता हूँ यहाँ देखो, मंदिर आरती 53 कहलाती है। यहाँ फिर से नोट लगा दीजिए, है ना, आरती 53 कहलाती है, लेकिन आवड़ माता, आवड़ माता का स्तुति पाठ, स्तुति पाठ और जीर्ण माता जो है अपनी, जीर्ण माता का गीत 53 कहलाता है। इसकी आरती, करणी माता की आरती जो है वो 53 कहलाती है, आवड़ माता जो है उसका स्तुति पाठ भी 53 कहलाता है, और जीर्ण माता के जो गीत हैं वो भी 53 कहलाते हैं। अब इसके बाद आरती दो प्रकार की होती है करणी माता के मंदिर में, एक अपनी घड़ाऊ, घड़ाऊ आरती कौन सी, विपत्ति के समय की जाने वाली आरती। एक है संगाहु, ये विपत्ति, तो इसका उल्टा मतलब शांत, शांति केस में की जाने वाली आरती, की जाने वाली आरती संगाऊ, संगाऊ कहलाती है। ठीक, देखो आरती को कहते हैं 53, और आरती में घड़ाऊ आरती है वो विपत्ति के समय की जाती है, और इसके अलावा संघाऊ जो आरती है वो शांति के समय की जाती है, समझ रहे हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास, मुझे उम्मीद है शायद अच्छी लगी होगी। अब कल मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।